नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस मंच पर। मैं धनंजय करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, दिवाली आने वाली है, दिवाली की बेला हमारे इस वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और हम सभी बहुत खुश होते हैं। दिवाली है, दिवाली है। बचपन में एक बेटा, एक आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बहुत ही कहानी, मतलब कविता टाइप से, दीप जलाओ दीप जलाओ आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब नाचो गाओ आज दिवाली रे। मैंने कक्षा दूसरी में ये कविता पढ़ी थी। तब से लेकर के अब तक के दिवाली के मायने बदल चुके हैं। दिवाली बहुत हद में, बहुत तरीकों में आप लोगों के जीवन को इफेक्ट करता है। आप लोग कहीं पर भी हों, अगर आप बाहर हैं या कहीं घर से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, आप दिवाली में अपने घर पर ज़रूर जाते हैं। दिवाली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ मिलती हैं, सिर्फ खुशियाँ मिलती हैं, है ना। और बहुत धूमधाम से बेटा हम लोग इस पर्व को मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है और इस बड़े त्यौहार के अवसर पर बेटा आप लोग क्लास रेगुलर चल रही हैं और आप लोग पढ़ भी रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। ये चीज़ बेटा क्या दिखाता है कि कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, है ना। चाहे दिवाली आए, होली आए, तीन तक वो पढ़ाते रहते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं। और वो इसलिए मेहनत करते हैं ताकि आप जैसे बच्चों का सिलेक्शन बेटा हो सके, आप जैसे बच्चे अपने सफलता तक पहुंच सके। टीचर अपने हर एक चीज को खो देता है ताकि आप जैसे बच्चों को बेटा सिलेक्शन हो सके। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर हमें कहीं पर भी सफल होना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हमें कुछ बातों का बेटा अपने सपने को साकार करने के लिए, जिस तरह के यहाँ से शिक्षक, यहाँ के शिक्षक आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, वैसे आप लोग मेहनत करते रहिए, बहुत सारा मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत करते रहिए। और मेहनत बेटा इतनी होनी चाहिए, सफलता खुद ब खुद शोर मचाए कि यार ये व्यक्ति है जिसने बहुत सारी मेहनत करी थी, ठीक है। चलिए, तो जैसे बेटा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आज बेटा दिवाली के इस बेला पर, दिवाली की इस बेला पर ये चीजें बाद में करेंगे अपन डिस्कशन चीजों के ऊपर। पहले बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है जी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, अगर हम, अगर बच्चों हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, है ना, कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो उन सभी चीजों पर बेटा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हर तरह के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को, उत्तर निकालने में आप सभी की मैं मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। और बेटा जितने बच्चे यहाँ पर CDSF कैट के हैं या फिर जितने बच्चे यहाँ पर टेक्निकल टीम, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेटा OIR में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। OIR में बेटा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और बन, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पर DRDO के लिए पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बेटा बहुत ही बढ़िया आपका ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल शून्य से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले, पहले पहले बच्चों ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमसे किस किस तरह के और कैसे कैसे प्रश्न वो पूछ सकता है, ठीक है, किस किस तरह के और कैसे कैसे प्रश्न वो बेटा हमसे पूछ सकता है। तो बेटा सबसे पहले अगर हम देखें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, तो जैसे कि आप नाम से ही अंदाजा लगा रहे होंगे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स का बेटा मतलब होता है त्रिभुजों या आकृतियों को गिनना, वर्गों को गिनना, लाइनों को गिनना, है ना। आपसे त्रिभुज पूछ लेगा, आपसे आकृति में मतलब वर्ग पूछ लेगा, आपसे आयत पूछ लेगा, आपसे बेटा क्या कहते हैं लाइंस पूछ लेगा। तो अलग अलग चीजें बेटा वो आपसे पूछता रहता है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है प्यारे प्यारे बच्चों कि जिस भी चीज का हम आंसर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सटीकता से निकालें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुक्के मार तुक्के, नहीं बेटा। हर एक चीज का एक सेंस होता है, हर एक चीज का बेटा एक काउंट करने का या फाइंड करने का तरीका होता है। अगर हमें वो तरीका पता लग जाए तो शायद ही हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, है कि नहीं। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा,
इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बिल्कुल बेसिक से बोले तो बेटा बिल्कुल जीरो से बेटा प्रारंभ करेंगे, ठीक है, शून्य से, जीरो से प्रारंभ करेंगे, है ना बेटा। जो हमारा आरंभ होगा वो ही प्रचंड होगा, ठीक है, कहते हैं ना आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम दहाड़ दो, है ना। तो बेटा बस जंग की घड़ी चुकी है, हमारा सिलेक्शन का टाइम नजदीक आ रहा है, हमारे एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, एग्जाम का टाइम जितना नजदीक आएगा बेटा उतने बेटा हमारा सिलेक्शन का टाइम जाएगा, ठीक है, दोनों ही चीजें बेटा हम यहाँ पर देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि इसमें प्रश्न किस किस तरह के बेटा पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा क्या प्रश्न आता है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बच्चों आपसे वो लाइंस पूछते हैं बेटा, क्या पूछता है लाइंस, किसी भी आकृति में बेटा कितने लाइंस हो सकते हैं, किसी भी आकृति में बच्चों कितने तरह के लाइंस हो सकते हैं, कितने लाइंस हो सकते हैं, लाइन यानी कि बेटा सीधी रेखा, है ना, इसको आप लाइंस लिख लो या स्ट्रेट लाइन लिख लो, हिंदी में बेटा क्या लिखा रहेगा, सरल रेखाएं, ठीक है जी, सरल रेखाएं, ठीक, सरल रेखाएं। सेकेंड बेटा हमसे पूछता है, जब हम लाइंस की बात करते हैं ना, जब बेटा हम लाइंस की बात करते हैं, आप लाइंस में देखते हो लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं, लाइंस बेटा सीधी हो सकती है, लेटी हुई लाइनें, या खड़ी लाइनें, या तिरछी लाइनें, तीन तरह की बेटा लाइंस होती हैं, सीधी, खड़ी और तिरछी। सेकंड बेटा यहाँ पे आपसे पूछ सकता है स्क्वायर, बोले तो प्यारे प्यारे बच्चों वर्ग, स्क्वायर का मतलब बेटा क्या हो गया वर्ग, है ना बेटा। थर्ड इसमें बेटा पूछता है हमसे रेक्टेंगल, बोले तो आयत, है ना बेटा। फोर्थ बेटा इसमें पूछता है आपसे ट्राइंगल। तो मैं आपको हर एक चीज में, हर एक जगह बेटा आप लोगों की मदद करूंगा कि आप हर तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बच्चों निकाल सको, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बच्चों निकाल सके, ठीक है। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस प्रश्न को बेटा देखता हूँ, तो क्या आपको इन प्रश्नों में या इस तरह के फिगर में आपको क्या 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 कैसे कैसे ढूंढनी पड़ सकती है। सबसे पहली पहली बात बेटा, जब भी बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की, बच्चों का यहाँ बात करते हैं लाइंस की, ठीक है, ध्यान से बेटा समझिएगा, लाइंस की बातें करेंगे बाद में, पहले पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, लाइंस की, तो प्यारे बच्चों अगर हम लाइंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लाइंस की बात करते हैं, तो लाइंस आप देख सकते हैं बेटा, जो लाइन बेटा सीधी होती है इस तरीके से होती है ना, जो लाइन बेटा सीधी होती है इस तरीके से होती है बच्चों, वो कहलाती है आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है बेटा, क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है बेटा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सीधी रेखाएं कह सकते हो, सीधी रेखाएं, या वैसे हॉरिजॉन्टल की जो बेटा हिंदी होती है वो होती है क्षैतिज, है ना, तो बेटा इसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, या बेटा आप इसको बोल सकते हैं सीधी रेखाएं, ठीक है जी बेटा। दूसरी हमारी होती है इस तरीके की लाइंस, ठीक है, दूसरी बेटा हमारी होती है इस तरीके की लाइंस, तो बेटा अगर हम इस तरीके की लाइंस देखते हैं तो बेटा ये आपके कहलाती है वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ये क्या कहलाएंगी, वर्टिकल लाइन बेटा, वर्टिकल लाइन बोले तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, है ना बेटा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब बेटा इसको हम कह सकते हैं अपने लोकल भाषा में खड़ी रेखाएं, जो सीधी रेखाएं है ना, या लंबवत रेखाएं, है ना बेटा, या फिर लंबवत रेखाएं, ठीक है जी। इसके बाद बेटा देखते हैं ये बेटा, ये आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डायगोनल लाइंस बोल सकते हैं बेटा, डायगोनल लाइंस, डायगोनल लाइंस, ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हैं, डायगोनल लाइंस बेटा, डायगोनल लाइंस के अलावा बेटा हम क्या बोल सकते हैं, स्लांट लाइंस, ठीक है बेटा, हिंदी में क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखाएं,
रेखा है। तो बेटा ये सारी क्या है आपके पास बेटा, आप ये सारी क्या देख पा रहे हैं, ये सारे बेटा डायगोनल लाइंस यानी कि स्लैंट लाइंस आप यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे और बेटा समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपके लाइंस के प्रकार हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है बैक टू बैक बेटा, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कितनी लाइंस हैं। अब बेटा जब लाइंस की हम बात करते हैं तो लाइंस भी बेटा दो भागों में बटी होती है बेटा, ध्यान समझिएगा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एक हम बोलते हैं लाइंस ठीक है, एक बेटा हम लाइंस जिसे बेटा हम बोलते हैं रेखाएं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइंस यानी रेखाएं ठीक है बेटा। यहीं पर सेकंड बेटा पॉइंट निकल के आता है लाइन सेगमेंट ठीक है, उसके बाद बाद में करते हैं। मैंने बेटा आप लोगों से पूछा कि यहां पर बेटा एक लाइन खींच दी गई ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बेटा पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट डी है और यहाँ पर पॉइंट ई है। मैंने पूछा कि इस वाले में बेटा कुल कितनी रेखाएं हैं ठीक है, इस वाले में बच्चों कुल कितनी रेखाएं हैं। तो बेटा जैसे हमने देखा कि इसमें कुल कितनी रेखाएं, हमने क्या देखा, हमने बच्चों क्या देखा कि जैसे बेटा हमने देखा, हम क्या कहते हैं इसको देखते हैं कि सर इसमें रेखाएं, तो बच्चे होते कंफ्यूज कि सर ए बी एक हो गया, बी सी दो हो गया, सी डी तीन हो गया, डी ई चार हो गया, फिर ए सी हो गया, फिर बी डी हो गया, फिर सी ई हो गया, फिर ए डी हो गया, फिर बी ई हो गया, फिर ए ई हो गया, बहुत सारे हो गए सर ठीक है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ये जो बेटा इसमें अगर बात करेंगे ना कि लाइंस कितनी है, रेखाएं कितनी है, तो जो लाइन तो बेटा आपकी एक ही रहेंगी ठीक है, लाइन तो बेटा आपकी एक ही है ठीक है, रेखा तो बेटा आपकी एक ही है ठीक है। बाकी जो बेटा बिंदुओं में बटे हुए हैं, जो चीजें प्यारे बच्चों बिंदुओं में बटा हुआ है वो क्या बेटा, वो है आपका लाइन सेगमेंट बेटा, वो आपका क्या है लाइन सेगमेंट ठीक है बेटा। जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा यहां पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ए बी सी डी ई ठीक है, ए बी सी डी ई ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूंगा कि सर ए बी सी डी बी सी डी ई, ये बेटा क्या है, दीज आर द लाइन सेगमेंट बेटा, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट है ना, हिंदी में इसको क्या बेटा क्या बोलते हैं, रेखा खंड, रेखा खंड बेटा लाइन सेगमेंट। तो बेटा अगर वो आपसे पूछता है लाइंस के बारे में कि लाइन कितनी है, तो लाइन बेटा हम कितनी बोलेंगे, लाइन तो हमारे पास एक है, अगर उसने पूछा हमसे लाइंस कितनी, हम क्या बोलेंगे भाई साहब इसमें लाइन तो एक ही है, उसने पूछा भाई इसमें लाइन कितनी है, हम क्या बोलेंगे भाई साहब इसमें लाइन तो एक ही है। पर जैसे बेटा उससे पूछता है लाइन सेगमेंट के बारे में, कई बार बेटा वो पूछ लेगा कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, How many line segments are there? इस आकृति में कितने रेखाखंड हैं? ठीक है जी, कितने रेखाखंड हैं? तो बेटा इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक छोटा तरीका है, हमने सारे क्या पहले क्या कर लिया, हमने पहले सारे छोटे छोटे गिन लिए ठीक है, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ई ठीक है, चार ये हो गए ठीक है जी, चार ये हो गए है ना। अब बेटा आप चाहो तो आप ऐसे गिन सकते हो ए सी बी डी सी ई है ना, ए सी बी डी और सी ई ठीक है भाई, तीन ये हो गए। अब बेटा आप कैसे गिन सकते हो बच्चों, आप और कैसे गिन सकते हो, ए डी और बी ई है ना, ए डी एंड बी ई, तो भाई दो ये हो गए ठीक है बेटा। लास्ट में बच गया ए और ई, बेटा कुल कितने हो गए आपके पास बेटा, कुल हो गए दस, चार तीन दो एक, सबको जोड़ दो, दस हो गए ठीक है, कुल दस लाइन सेगमेंट है ठीक है जी, कुल बेटा दस यहाँ पर क्या है, दस बेटा यहाँ पर कुल लाइन सेगमेंट है। तो बेटा देखो जब भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा तो मैं गिनेंगे तो भाई समय हमारे पास होता नहीं है, बहुत कम समय होता है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा बेटा यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट है, तो एक दो तीन और चार, हमने देखा बच्चों कुल चार भागों में बट गया है,
ये जो है लाइन पूरे, ये लाइन पूरे चार भागों में बटा हुआ है। ये बड़ा लाइन है, ये पूरे चार भागों में बटा क्या है, ये चार भागों में बटा क्या है, बिल्कुल बटा हुआ है। तो बेटा अगर ये लाइन पूरे चार भागों में बटा हुआ है बेटा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल्स को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, 1+2+3+4, यही बेटा आपका आंसर आ गया, 10 लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी, 10 बेटा यहाँ पर लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ठीक है जी। आओ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। जाओ मैं पूछा गया, कहता है भाई बताओ इसमें कुल कितने लाइन सेगमेंट है। कहता है इसमें कुल कितने रेखाखंड है, इसमें कुल कितने रेखाखंड है, बताओ बेटा इसमें कुल कितने रेखाखंड, जल्दी बताइए इसमें कुल कितने रेखाखंड है, बताओ बेटा इसमें बच्चों कुल कितने रेखाखंड है, बताइए। जल्दी बताओ इसमें कुल कितने रेखाखंड है, फटाफट जल्दी बताइए बेटा। बच्चों इसमें कुल कितने रेखाखंड, फटाफट बताइए इसमें बेटा कुल कितने रेखाखंड, जल्दी बताइए फटाफट इसमें कुल कितने रेखाखंड है, इसमें कुल कितने रेखाखंड है, जल्दी बेटा इसका आंसर बताएंगे, इसमें कुल कितने रेखाखंड, फटाफट बताइए भाई क्विक, इसमें कुल कितने रेखाखंड बेटा। आप देख सकते हैं ज्यादा बड़ा कुछ बेटा ये वाला भी नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे, 1+2+3+4+5+6 कितने हो गए भाई, 10, 5, 15 और 6, 21 बेटा 21 इसमें टोटल लाइन सेगमेंट है। कितने बेटा, 21 रेखाखंड है, 21 लाइन सेगमेंट है। कहिए बेटा वो कुछ इस तरह के डायग्राम लिया आएगा। ओके बताओ भाई इसमें कुल कितने रेखाखंड है, कहता है भाई इसमें कुल कितने रेखाखंड है। और अगर मान लो कई बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इसमें कितने रेखाखंड है, एज वेल एज बेटा वो पूछ लेगा आपसे कि इसमें कितनी लाइन और कितने लाइन सेगमेंट है, वो दोनों ही बेटा आप लोगों से पूछ लेगा, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो बेटा वो पूछ रहा है लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन और ठीक है। तो बेटा जब भी हम लाइन गिनेंगे या लाइन सेगमेंट गिनेंगे बेटा, लाइन गिनेंगे या लाइन सेगमेंट गिनेंगे, दोनों में बेटा आपका क्या निकल के आता है देखिए, जब बेटा हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन को बेटा हम तीन तरीके से गिनेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। तो बेटा अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो यार हॉरिजॉन्टल लाइंस बेटा क्या होती हैं देखिए बेटा, कितनी है, 1, 2 और 3 बेटा हॉरिजॉन्टल तीन लाइंस हैं। वर्टिकल बेटा कितनी है, 1, 2 और 3 तीन है। डायगोनल 0 है, बेटा कितने हो गए, 3 और 3, 6। तो लाइंस कितनी हो गई हैं, 6 लाइंस। लाइंस क्या हो गई हैं, 6 लाइंस बेटा, क्या हो गई हैं, 6 लाइंस। टोटल लाइंस बेटा कितनी हो गई हैं, 6। कुल लाइनों की संख्या बेटा कितनी हो गई है, 6। कुल लाइनों की संख्या बेटा कितनी हो गई है, 6। ठीक है, लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो बेटा अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के ऊपर, ठीक है बेटा हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तो प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्या है देखिए, तो कितना है, 1 और 2, कुल दो भागों में बटा हुआ है, जो पहली वाला है ना, कितने बटा हुआ है, 2 भागों में। तो 1+2 बटा कितना हो गया, ये 3 हो गया है। बेटा इसकी बात करते हैं, इसकी बेटा कितने भागों में बटा है, 1 और 2। 1+2 बेटा कितना हो गया, 3। बेटा इसकी बात करते हैं इसकी, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो बेटा हमने देखा यहाँ पर कुल 9 लाइन सेगमेंट है, किस पे, हॉरिजॉन्टल में। बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं कि वर्टिकल में, ये भी बेटा इस पॉइंट से 2 भागों में बटा हुआ है,
ठीक है, दो भाग में बटा हुआ है, तो ये भी कितना हो गया, अगर हम बात करें बेटा वर्टिकल लाइंस की, वर्टिकल लाइंस की, तो बेटा वर्टिकल लाइंस की बेटा अगर बात करते हैं तो ये बटा इस वाले पॉइंट की हिसाब से दो भागों में बटा हुआ है, तो वन प्लस टू कितना हो गया पी। बेटा इसकी बात करते हैं तो ये देखो इस वाले पॉइंट से ये लाइन इस वाले पॉइंट से दो भागों में बटा हुआ है, तो वन प्लस टू बेटा कितना हो गया थ्री। बेटा इसकी बात करते हैं तो ये बेटा इस वाले पॉइंट से वन प्लस टू बेटा कितना हो गया थ्री, कितना हो गया नाइन। कुल लाइन सेगमेंट बेटा कितने हैं अठारह, लाइंस कितने हैं छः, लाइन सेगमेंट कितने हैं अठारह, लाइंस कितने हैं छः, लाइन सेगमेंट कितने हैं अठारह, ठीक है। चलिए आइए बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। कहता है यार इसमें कुल कितने लाइंस हैं और कितने लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसमें कुल कितने लाइंस हैं और कितने लाइन सेगमेंट है, इसमें कुल कितने लाइंस हैं और कितने लाइन सेगमेंट है। तो बेटा जब हम इसमें लाइन या लाइन सेगमेंट काउंट करेंगे, बेटा जल्दी से बताएंगे इसमें कितने लाइंस है कितने लाइन सेगमेंट है, इसमें बेटा कितने लाइंस और कितने लाइन सेगमेंट बेटा बताइए, इसमें कितने बेटा लाइंस है और कितने लाइन सेगमेंट जल्दी बताएंगे, इसमें कितने लाइंस है और कितने इसमें बेटा लाइन सेगमेंट है बताइए जल्दी से, इसमें बेटा कितने लाइंस हैं और कितने लाइन सेगमेंट है जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, इसमें कितने लाइंस हैं और कितने लाइन सेगमेंट है। बताओ देखो बेटा अगर बच्चों में यहां पर बात करते हैं लाइंस की, ठीक है, लाइंस की, लाइंस देखो बेटा हॉरिजॉन्टल कितने हमारे पास है, तो हॉरिजॉन्टल के पास है एक दो और तीन, भाई तीन है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बेटा कितने हैं, वर्टिकल आपके पास एक भी नहीं है जीरो है, बट डायगोनल कितने हैं, डायगोनल के पास एक है, तो बेटा कुल लाइंस कितने हैं, नहीं वर्टिकल के पास दो है ना यार, वर्टिकल दो है ना, एक और एक ये दो है ना वर्टिकल, ठीक है बेटा हॉरिजॉन्टल के पास चार है, ठीक है हमारे पास चार है वर्टिकल, तो चार कैसे, चार कैसे, एक दो तीन और चार, ठीक है। और जब वर्टिकल की बात करेंगे बेटा तो वर्टिकल कितने हैं एक और एक दो, ठीक है बेटा। जब डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल आपके पास एक है, तो चार दो छह और एक सात, बेटा कुल लाइंस कितनी है आपके पास प्यारे बच्चों, आपके पास लाइंस हैं कुल सेवन, कितनी लाइंस है जी, कुल लाइंस है बेटा सात, कुल लाइंस बेटा कितनी है सात। लेकिन जब बेटा हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, बेटा किसकी बात करेंगे, जैसे ही प्यारे प्यारे बच्चों लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, किसकी, जैसे ही प्यारे बच्चों हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होता है आइए देखते हैं, लाइन सेगमेंट बेटा क्या होता है आइए देखते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बड़ा हॉरिजॉन्टल पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे बड़ा कोई भी नहीं है, तो आपका एक यहाँ हो गया, ठीक है। प्लस बट अगर मैं इस लाइन पे बात करूं तो ये लाइन यहाँ पे कटा हुआ है, यानी कि ये इसको दो भाग में बांटा, तो वन प्लस टू थ्री हो गए। बट अगर इसकी बात करें तो ये भी बड़ा इसको यहाँ पे काट रहा, तो ये इसने इसको दो भाग में बांट दिया, तो वन प्लस टू थ्री। इसकी बात करें तो इसमें बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, तो वन तीन तीन छः और दो आठ, आठ तो बेटा आपके पास सिर्फ किस पे हो गए हैं, आठ बेटा आपके पास किस पे हो गए हैं, तो बेटा आठ आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे हो गए हैं। बेटा वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल तो वर्टिकल बेटा ये वाली लाइन है वर्टिकल, तो वर्टिकल देखोगे बेटा यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है और एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, तो इसने एक दो और तीन इसको इसने तीन भागों में बांट दिया है, इसको उसे तीन भागों में बांट दिया, हम क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री, तीन दो पांच और एक छह, वर्टिकल बेटा यहाँ पर छह बन गया। अब दूसरा वर्टिकल यहाँ पर है, इसको बेटा हमने देखा इसने भी इसको दो भागों में बांटा हुआ है, तो एक दो और तीन, तीन दो पांच और एक छह, छह प्लस छह बेटा ये कितने हो गए, ये हो गए बारह। अब बेटा आता है डायगनल, अब बच्चों क्या आता है, अब आता है डायगनल, तो बेटा अगर डायगनल की बात करते हैं, डायगनल कौन सा बेटा, डायगनल ये वाला है, तो डायगनल के कितने पॉइंट बेटा यहाँ पर, तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसने इसको एक दो
और तीन, कुल तीन भागों में बांट दिया है। थोड़ा डायगोनल भी कितने हो गए, छह, भाई इसको भी करेंगे ना, वन प्लस टू प्लस थ्री, इसको भी करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स, पार्ट बेटा ये बढ़ गया है। तो टोटल कितने हो गए हैं आपके पास बेटा, हो गए बारह, आठ, बीस, बीस और छः छब्बीस। बेटा कितने इसमें लाइन सेगमेंट बेटा कितने हैं, तो लाइन सेगमेंट बेटा छब्बीस हैं और लाइंस कितनी हैं, लाइन सेवन हैं। क्या भाई बात सबको समझ में आ गई है, बोलिए हाँ है ना, जल्दी से बेटा समझ बताइए कि क्या सबको समझ में आ गया। बेटा अगर सबको समझ में आ गया है ना तो एक बार सारे बच्चे स्माइल कर दीजिए ऐसे, है ना, स्माइली करके लिख दीजिए तो आपको बेटा मुझे पता लग गया कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, देखिए बच्चों यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा बच्चों, यहां पर कैसा लगा बेटा आपका, हमने यहां पर लाइन और लाइन सेगमेंट को काउंट करना सीख लिया, तो इसमें हम अब ज्यादा परेशानी नहीं मानेंगे, हम बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, सही बात है ना। अब बेटा अगर हम आगे बात करते हैं इन्हीं प्रश्नों में, थोड़ा आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, तो बेटा आगे हम इसमें फाइंड करेंगे बेटा स्क्वायर। लेकिन यार आप सभी को जैसे पता है कि बेटा अगर आप लोग दिवाली के इस पावन अवसर पर, दिवाली के इस पावन अवसर पर अगर एग्जामपुर का कोई भी बेटा कोर्स परचेज करते हैं, जैसे दिवाली धमाका ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में बेटा, एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में बेटा अगर आप एडमिशन लेते हैं बेटा, देखिए सारे कोर्स बेटा आपको 75% डिस्काउंट पे मिलता है। आपको बेटा क्या कोड लगाना है, दिवाली 75, दिवाली 75, कुछ लोग दिवाली बोलते हैं कुछ दीपावली बोलते हैं, दीपावली मत लिखना गलत हो जाएगा, दिवाली 75 लगाओगे ठीक है आपका काम बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये कोर्स मिलेगा कहाँ पे, ये कोर्स मिलेगा कहाँ पे, तो बेटा कोर्स मिलेगा आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बेटा, कहाँ मिलेगा, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ठीक है बेटा। कोई भी कोर्स आप लेते हैं आपको उस कोर्स पे बेटा 75% का भारी डिस्काउंट मिलेगा, बहुत भारी डिस्काउंट। तो बेटा आप सभी इस कोर्स को जरूर जरूर परचेज करें ठीक है, इस कोर्स को बेटा जरूर जरूर परचेज करें, जितना ज्यादा बेटा आप कोर्स परचेज करेंगे उतना ज्यादा बेटा आप लोगों का तैयारी बढ़ेगी। देखो 75 मान लो कि जहां पर मैं 100 रुपए में एक चीज ले रहा था, आप मुझे 100 रुपए में चार चीजें मिल रही हैं, तो बेटा मुझे वो चीजें जरूर खरीदनी चाहिए ठीक है। अगर पहले मैं 100 रुपए में बेटा मैं कोई एक चीज ले रहा था, अब मुझे 100 ही रुपए में बेटा चार कोर्सेज मिल रहे हैं ठीक है, तो क्यों ना भाई मैं सारा लेके पढ़ूं। और अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो बेटा आपका जो क्या है ना कि जो दिमाग का लेवल वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग शिक्षक हैं, अलग अलग शिक्षक का अलग अलग मेंटेलिटी है, किसी के पास कुछ अद्भुत है, किसी का कुछ अद्भुत है, तो जब कई लोगों से कई अद्भुत कलाएं आप सीख लोगे तो भाई साहब आप तो 16 कलाओं में निपुण हो जाओगे, नहीं 16 कलाओं में तो नहीं होना, वो सिर्फ श्री कृष्ण से ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ। तो यार देखिए अब बच्चों यहां पर हमें काउंट करना है क्या, स्क्वायर बेटा, क्या काउंट करना है, स्क्वायर। अब बेटा हम यहाँ पे काउंट करेंगे स्क्वायर। अब यार जब हम बात करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों स्क्वायर की, किसकी, अगर बच्चों मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, स्क्वायर की, वर्ग की। तो बच्चों वर्ग क्या होता है, वर्ग बेटा होता क्या है, स्क्वायर होता क्या है, अगर बेटा मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, अगर बच्चों मैं बात करता हूँ स्क्वायर की यानी वर्ग की, वर्ग बेटा एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग बेटा एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि अगर बेटा ये मान लो ये 8 सेंटीमीटर का है तो यह भी 8 सेंटीमीटर होगा, यह भी 8 सेंटीमीटर होगा बेटा, यह भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये सभी भुजाओं का बेटा जो नाप होगा वो 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब बच्चों यहां पर देखिए सबसे पहले बेटा यहां पर क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले बेटा यहां पर क्या निकल के आ रहा है, आप देखिए बेटा यहां पर क्या चीज निकल के आएंगे आपके पास, मेरी फर्स्ट थिंग कि
आपसे जब भी स्क्वायर पूछेगा ना, तो स्क्वायर बेटा वो क्या ध्यान रखना बेटा कि आपको रो और कॉलम को इक्वल करना है, रो और कॉलम को रो और कॉलम को इक्वल करना है, रो और कॉलम को इक्वल करना है, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, अगर हमें रो और कॉलम को इक्वल करना, बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल दिया आपने, थोड़ा देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। तो बेटा यहां पर देखिए, ये आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। हमसे पूछे बेटा कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ठीक है, कुल कितने वर्ग हैं। आपको बेटा बताना है इसमें कुल वर्ग, वर्गों की संख्या कितनी है, कुल स्क्वायर कितने हैं, ठीक है जी। कुल वर्ग कितने बेटा, आपको क्या बताना है इसमें टोटल वर्ग कितने। तो यार साफ सीधी सी बात है बेटा, अगर मैं वर्ग की बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, अगर बेटा वर्ग की बात, देखो बेटा एक वर्ग आपका ये वाला है, ठीक है, दूसरा बेटा अगर देखते हैं, दूसरा बेटा आपका ये वाला है, दो हो गए, तीसरे बेटा बात करते हैं, तीसरा बेटा आप लोगों का ये वाला है, फिर चौथे की बात करते हैं, चौथा बेटा आप लोगों का ये वाला है, चार वर्ग तो बेटा आपको ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने दिवाली के उपलक्ष में यहाँ पे रंगोली बना दी है, बेटा पांचवा यहाँ आपका बड़ा वाला बन गया, ठीक है, जो पांचवा बड़ा वाला है, ठीक है, बेटा पांचवा कौन सा हो गया, पांचवा बड़े वाला हो गया। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा कुल आपके पास पांच वर्ग है, कितने वर्ग है बेटा यहाँ पे, कुल आपके पास पांच वर्ग है, फाइव स्क्वायर्स हैं बेटा, कितने हैं, फाइव स्क्वायर्स हैं। लेकिन लेकिन बेटा क्या इसमें इस वाले पार्ट को हम स्क्वायर मानेंगे, आओ भाई चेक करते हैं, क्या इसमें इस वाले पार्ट को हम स्क्वायर मानेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये वाला पार्ट आपका स्क्वायर माना जाएगा। आप बोलोगे सर दिख तो ये आयत रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, पर मान लो चलो बेटा दिख गया, मान लो स्क्वायर दिख गया, तो क्या तब हम उसको स्क्वायर मानेंगे, क्या तब हम इसको स्क्वायर मानेंगे। मान लो बेटा मैंने इसको ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, तो क्या अब इसको स्क्वायर मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा, अभी हम इसको स्क्वायर नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे बताता हूं बेटा, देखो यहां पर आपके पास जो बेटा कॉलम की संख्या है बेटा, यहां पर कॉलम की संख्या क्या है बेटा, कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम बेटा एक है ना, एक ही वाला कॉलम है सिर्फ, ठीक है। तो बेटा जो रो की संख्या बेटा कितनी है, तो यहाँ पर रो की संख्या दो है, ठीक है। अगर बेटा किसी भी फिगर में अगर कॉलम और रो बराबर होंगे तभी वो स्क्वायर माना जाएगा, जैसे ये पूरा बड़ा वाला फिगर, इसमें बेटा आप देखोगे ना तो कॉलम भी बेटा आपके पास दो है और रो भी आपके पास दो है, ठीक है, कॉलम भी बेटा आपके पास दो है और रो भी बेटा आपके पास दो है, कॉलम भी बेटा आपके पास दो है और रो भी बच्चों आपके पास दो है, दो ही कॉलम है, दो ही रो है, तो ये बेटा आपका स्क्वायर माना जाएगा, है ना। जहां पर दो रो और दो कॉलम बनेंगे वही आपका स्क्वायर माना जाएगा, अदरवाइज बेटा कोई स्क्वायर आपका नहीं माना जाएगा। इसमें बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, पांच। आइए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न की तरफ बेटा आपको लेके चलता हूं। बताना बेटा आप लोगों को कि इस वाले आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ठीक है, इस आकृति में बेटा कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है बताओ भाई इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, ठीक है, जैसे बताएंगे कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, बच्चों जब मैं इस आकृति की बात करता हूं देखो, जैसे बेटा मैंने देखा सबसे पहले एक तो बेटा आपका ये हो गया, एक दो तीन,
चार पांच छ सात आठ नौ, तो बेटा नौ वर्ग है, नौ तो बेटा स्क्वायर हो गए छोटे वाले, ठीक है नौ छोटे वाले हो गए। अब बेटा दो रो और दो कॉलम वाले देखिए, वाले देखिए, एक आपका बड़े वाला हो गया ये वाला है ना, दूसरा बच्चों आपका ये वाला हो गया, देखो ये वाला दूसरा ही हो गया, तीसरा बच्चों आपका ये, तीसरा बेटा आपका ये वाला हो गया, देखो ये बड़े वाला, चार पांच सात आठ, दो रो दो कॉलम, फिर आपका ये वाला हो गया, ठीक है। तो चार आपके पास बच्चों ये वाले हो गए, नौ और चार, ठीक है। बेटा अगर लास्ट की बात करते हैं कि लास्ट वाला कौन सा, तो लास्ट आप देख सकते हो एक नौ सात आठ, जो सबसे लास्ट वाला बेटा कौन सा है, वो बेटा आपके पास एक तीन नौ सात, ठीक है ये बेटा आपके पास एक बन गया। तो नौ और चार तेरह, तेरह और एक चौदह, बेटा हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास कुल चौदह वर्ग हो गए हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेटा कंसेप्ट की बात कि हम रो और कॉलम को मिलाएंगे तो ही स्क्वायर बनेगा, वरना स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन क्या एग्जाम में बेटा हमारे पास ऐसा ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा, क्या हमें एग्जाम में कुछ भी ऐसा मिलेगा? तो आप देखोगे नहीं मिलेगा एग्जाम में, ना तो हमें टाइम मिलेगा कि हम ऐसे गिनते रहें, कन्फ्यूज हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड बेटा कैसे पढ़ते हैं, हम देखते हैं भाई कि हमने बेटा करना क्या होता है, प्यारे प्यारे बच्चों, हमें ना सिर्फ और सिर्फ रो को बेटा कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी। हमें बच्चों क्या करना होता है, हमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, हमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी। हमें बेटा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। अब बेटा अगर मैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, बेटा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैंने यहां पर क्या देखा कि मेरे पास बेटा रो कितनी है, एक दो और तीन, बेटा हमारे पास रो कितनी है, तो मेरे पास रो है तीन। बेटा कॉलम की बात करते हैं, कॉलम कितनी है हमारे पास, एक दो और तीन, बेटा कॉलम कितनी है, कॉलम भी तीन है, ठीक है। तो तीन को बेटा हमने तीन से गुना किया, तो हमने बेटा तीन को तीन से गुना कर दिया, कितना आ गया नौ, तीन को तीन से गुना कर दिया, कितना आ गया नौ। अब बेटा एक एक नंबर कम करते हुए नीचे लिखते जाओ, एक एक नंबर कम करते हो बेटा नीचे लिखते जाओ, जैसे बेटा तीन से एक नंबर कम करो तो तीन से एक नंबर क्या आ जाएगा, दो, और यहाँ भी बेटा एक नंबर कम करो, दो को दो से नंबर कम करो, दो दूनी कितना आ गया चार, बेटा यहाँ पर एक नंबर कम करो एक, बेटा यहाँ से एक नंबर कम करो एक, एक गुने में एक एक, सबको बेटा जोड़ दीजिए कितना आ गया चौदह, फोर्टीन, फोर्टीन स्क्वायर। मतलब बेटा हमें सिंपल करना क्या है, हमें स्क्वायर, हमें बेटा स्क्वायर और रो और कॉलम को बेटा मल्टीप्लाई करते बेटा आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, ठीक है जी, समझ गए, समझ गए। अगला क्वेश्चन, बताना बेटा कि इसमें कुल कितने स्क्वायर बनेंगे, ठीक है बेटा। अभी आपके सामने आकृति है, आपको बताना है कि इसमें कुल वर्ग कितने हैं, इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। तो हमने बेटा क्या देखा, यहाँ पर जाता तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं हमें, तो हमने क्या देखा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। बेटा और करते हैं, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो बेटा चार गुणे में चार कितने हो गए बेटा, चार गुणे में चार सोलह। अब बेटा क्या करेंगे, कॉलम तो चार ही है ना, एक दो तीन चार, चार ही आपके पास रो हैं और चार ही बेटा आपके पास कॉलम है, चार ही बेटा आपके पास रो हैं और चार ही आपके पास बेटा कॉलम है। तो हमने क्या किया, चार गुणे में चार सोलह। अब एक नंबर कम करते जाओ, तीन गुणे में तीन बेटा कितना आ गया नौ, दो गुणे में दो बेटा क्या आ गया चार, और एक गुणे में एक बेटा क्या आ गया एक, सबको बच्चों जोड़ दीजिए कितना आ गया 30 स्क्वायर, 30 वर्ग,
थर्टी स्क्वायर यानी क्या बेटा 30 वर्ग, 30 स्क्वायर 30 वर्ग, समझ गए। बस अब कई बच्चों का बेटा यहाँ पर जैसे, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, कि जैसे कि कई बच्चों का बेटा दिखता है यहाँ पर कि सर अगर रो और कॉलम अलग अलग हो गए तो, अगर रो और कॉलम अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे, अगर रो और कॉलम बेटा अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे। तो आओ देखते हैं कि यदि रो और कॉलम अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे, अगर रो और कॉलम बेटा अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे। क्या कर सकते हैं रो कॉलम अलग अलग हो जाए तो, कहता है बताओ भाई इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ठीक है, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं बताइए, बताओ बेटा इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। बताओ जी। अब बेटा यहाँ हमने देखा कि रो और कॉलम अलग अलग हो गए, रो कॉलम अलग अलग हो गए क्या कर सकते हैं, रो कॉलम अलग अलग हो गए तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है, हमें बस सिंपल देखना है कि हमें, हमने एक ही चीज सीखा है कि हमें भाई रो को ना कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, हमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और एक एक संख्या कम करते हुए नीचे निकालना है, ठीक है, एक एक संख्या बेटा कम करके नीचे निकालना है। तो बेटा हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, फटाफट से एक बार आंसर की कोशिश करेंगे, आप लोग आंसर दे पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बेटा, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको रो को कॉलम से बेटा मल्टीप्लाई करना है, आपको बेटा क्या करना है, रो को कॉलम से बेटा मल्टीप्लाई करना है, बेटा आपको क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, आइए बेटा हमें क्या करना है, हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, हम बेटा क्या करेंगे, हम देखते हैं रो कितनी है हमारे पास, ठीक है, रो कितनी है बेटा, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, तो हमारे पास सात तो रो हैं, बेटा कॉलम की बात करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, भाई पाँच तो बेटा हमारे पास कॉलम है, अगर मैं सात को बच्चों पाँच से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आएगा, सात पंचे पैंतीस, कितना है बेटा, सात पंचे पैंतीस, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, एक एक नंबर दोनों तरफ से कम करते हुए लिखो, सात माइनस एक छः और पांच माइनस एक चार, छः को चार से गुणा करो बेटा कितना आ गया, चौबीस, छः से बेटा एक नंबर कम करो पांच और चार से बेटा एक नंबर कम करो तीन, पांच गुणे तीन बेटा कितना आ गया पंद्रह, पांच गुणे तीन बेटा कितना आ गया पंद्रह, ये बेटा पांच से एक नंबर कम करिए कितना आ गया चार, तीन से बेटा एक नंबर कम करिए क्या आ गया दो, चार दूनी आठ, चार से बेटा एक नंबर कम करिए दो, दो से एक नंबर कम करिए एक, दो एक कम दो, अब बेटा हमें क्या करना है, अब बस अपना वही फंडा, इन सभी को जोड़ दो, सभी को बेटा जोड़ दो, जोड़ दो बेटा कितना आ गया आठ दो दस, दस और दस बीस और चार चौबीस, आठ दो दस, दस और दस बीस और चार चौबीस, हासिल दो, दो एक तीन, तीन छह और दो आठ, एट्टी फोर, ठीक है, पांच पांच दस, दस और दस बीस, बीस और चार चौबीस, ठीक है, ठीक है जी, कितना है बेटा 84 इज द करेक्ट आंसर, बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ गया 84 वर्ग, यानी अब बेटा हमसे कहीं पर भी किसी तरह का क्वेश्चन बेटा अगर पूछा जाएगा इस तरीके से, हम भाई इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, हम बेटा इसका आंसर निकाल सकते हैं, स्क्वायर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर हम बेटा इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आइए बच्चों एक क्वेश्चन बेटा और देखते हैं, थोड़ा सा बेटा आपको अटपटे से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, नहीं कि आपको बिल्कुल सटीक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि हाँ भाई ठीक है जैसा क्वेश्चन कर दो, ऐसा नहीं बेटा, कई बार क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अटपटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा अटपटे, हमें लगता है ये क्या ही पूछ रहे इसने यार,
कहते बताओ भाई इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। अब थोड़ा सा बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बदला गया प्रश्न को, तो एक परीक्षा में भी बेटा आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जब आप प्रश्नों को ऐसे पलट देते हो, बदल देते हो। तो देखिए बेटा, हमने बेटा यहाँ पर क्या किया, हमने जैसे देखा स्क्वायर हमें काउंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या किस पे फोकस करेंगे, रो और कॉलम पे। किस पे करेंगे बेटा फोकस, रो और कॉलम पे। तो बेटा हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने बेटा क्या कर दिया, हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने बेटा क्या कर दिया, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। आओ भाई कर देते हैं। तो भाई रो कितनी हमारे पास है, एक दो तीन चार, चार तो बेटा रो है और कॉलम बेटा कितने हैं, तीन, तो चार तीये बारह, तीन दूनी छः और दो एकम दो, तो सबको जोड़ने पर कितना आ गया, बीस, बीस। लेकिन बेटा क्या बीस ही आंसर आएगा, तो आप देखो कि नहीं यार सर, इसमें ना कुछ और भी एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें कुछ और भी सर एक्स्ट्रा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा क्या एक्स्ट्रा हो रहा है यार, है ना, कहाँ दिख रहा है। तो आप देखो बेटा सर बीच में देखो ध्यान से, है ना, कहते हैं ना तन की शक्ति, मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति। तो बेटा दिमाग की शक्ति लगाओ और इस शक्ति के साथ आप बेटा ढूंढो कि कहाँ पर आप क्रॉस देख रहे हो। बेटा क्रॉस कहाँ देख रहे हैं हम, क्रॉस यहाँ देख रहे हैं, कट रहा है ना, यहाँ पर भी क्रॉस है कट रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस है कट रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस है कट रहा है, जहां जहां क्रॉस है बेटा वहां से आप वर्ग ढूंढो। तो अब यहाँ पर देखोगे आपको एक दिख जाएगा ये वाला, दूसरा बेटा आपको ये दिख जाएगा, दो कितने हो गए, दो, तीसरा बेटा क्या हो गया, तीन, ठीक है बेटा। तो बीस प्लस तीन कितने हो गए, तो बेटा बीस प्लस तीन कितने हो गए, तेईस वर्ग, तेईस वर्ग। बेटा जहां पर भी एक्स्ट्रा लाइंस है, जहां पे क्रॉस लगा हुआ है, वहां पे बेटा आपको नए नए स्क्वायर दिख जाते हैं, वहां पे बेटा आपको नए नए स्क्वायर दिख जाते हैं। आंसर बेटा आपको यहां पर क्या आ गया, 23 स्क्वायर्स, 23 वर्ग। बेटा क्या आ गया आपका आंसर यहां पर, 23 वर्ग। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है और अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। आप लोग बताइए अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। तो आई होप कि बेटा इसको आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आई होगी, ठीक है। फिर से बेटा जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा आज की क्लास की, कि आप सभी को बेटा हैप्पी हैप्पी दिवाली। आप सभी बेटा दिवाली में बहुत एंजॉय करिए, अपने बड़ों का आदर करिए, है ना, अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उनके बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटा कि अगर आप लोगों को बेटा अच्छी सिलेक्शन, तो बेटा देखिए आप 75% के छूट के साथ हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आपको और भी डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जितना YT में पढ़ाया जा रहा है इससे भी कहीं ज्यादा बेटा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बेटा 75% का डिस्काउंट एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, और अगर ऐसा डिस्काउंट अगर मिले तो जरूर जरूर हमें इसमें बेटा एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। और जब भी बेटा मौका मिले पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को बेटा करूंगा समाप्त। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, और कभी भी बेटा अपने क्लासेस को मिस मत करिए। चाहे जैसे टीचर्स बेटा आपको पढ़ा रहे हैं बैक टू बैक, वैसे बेटा आप लोग भी पढ़ते रहिए बिना किसी चीज़ से रुके हुए, बिना थके हुए, ठीक है जी। तो भैया आज की क्लास बेटा यहीं पे खत्म करेंगे, अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन बेटा शुभ रहे।